जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सड़क किनारे खड़े लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार वैगनार कार पीछे से घुस गई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीलीभीत के बिसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल गेस्ट हाउस में तहसील पत्रकार एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता तहसील पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष पाती राम गंगवार ने की। बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गंगवार ने कहा कि बिसलपुर रामलीला मेला ऐतिहासिक मेला है। इस मेले से क्षेत्र के लाखों लोगों की अटूट आस्था जुड़ी है। आगामी 19 अक्टूबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के प्रख्यात कवियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं तहसील पत्रकार एसोसिएशन के सभी पत्रकार अपने अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारों की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है, कवरेज करने जा रहे पत्रकारों की हत्या हो रही है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। पत्रकारों की समस्या को लेकर तहसील पत्रकार एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएगा। मीटिंग हुई है, क्यों रखी गई, किस उद्देश्य से मीटिंग रखी गई? बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल में तहसील पत्रकार एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य श्री रामलीला कमेटी द्वारा 19 अक्टूबर को होने वाले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी तहसील पत्रकार एसोसिएशन को सौंपी गई है। साथ ही मेला कमेटी ने दशहरा महोत्सव कराए जाने की जिम्मेदारी भी तहसील पत्रकार एसोसिएशन को सौंपी है। इस विषय पर चर्चा की गई, किन कवियों को आमंत्रित किया जाए, दशहरा महोत्सव व कवि सम्मेलन को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए, इस पर गहन चर्चा की गई। साथ ही एक टूर वृंदावन धाम ले जाए जाने पर भी रणनीति तय की गई, जिसकी तिथि 21 सितंबर को रखी गई है। यहाँ से साथियों का टूर वृंदावन धाम जाएगा। बैठक में ये भी तय किया गया है कि पत्रकारों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस संदर्भ में पत्रकार तहसील पत्रकार एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल से मिलेगा और पत्रकारों की समस्याओं से अवगत कराएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में थाना रेवती के अंतर्गत छेड़ी गांव में अरविंद कुमार सिंह के आवास पर नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद का भव्य स्वागत किया गया। अरविंद सिंह ने बताया कि नीरज शेखर ने भाजपा में शामिल होकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इनके आने से बलिया के लोगों की उम्मीदें और जग गई हैं। जिला प्रशासन श्योपुर के तत्वाधान में मध्य प्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण में पंजीकृत एवं वित्त पोषित मेला श्री छिमछिमा हनुमान जी के मंदिर विजयपुर वर्षों से सुप्रसिद्ध मेला इस वर्ष 30 व 31 अगस्त को नए रूप में आयोजित किया गया। आस्था के पावन समागम इस मेले में भक्ति एवं लोक प्रवाह की प्रस्तुतियां दी गई। इस 2 दिवसीय मेले में करीबन 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने श्री छिमछिमा हनुमान के दर्शनों का लाभ उठाया। आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार प्रायोजित कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन डॉक्टरों की मनमानी के चलते ऐसी योजनाएं धरातल पर ही दम तोड़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से, जहां पर चिकित्सकों की लापरवाही के चलते अस्पताल सरकारी योजनाओं की ढोल का पोल खोल रही है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब उप जिलाधिकारी देवेंद्र पाल सिंह ने जिला संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें केवल 2 ही डॉक्टर चिकित्सालय को चलाते मिले। क्या मामला, क्या राय ये कि इस समय काफी हॉस्पिटल में पेशेंट्स की काफी भीड़ है और चूंकि मौसम भी इस समय बीमारी का है तो बट नेचुरल है कि ऐसे समय में काफी भीड़ रहती भी है और यहाँ लगभग आधे डॉक्टर जो है मौके पर मौजूद नहीं है। बताया गया कि अभी थे और चले गए हैं, कहीं कोई भ्रमण रजिस्टर में भी कोई एंट्री नहीं है, कोई बाजब कारण भी नहीं बताया गया कि क्यों चले गए हैं। ये स्थिति आपत्तिजनक है और इसके लिए डीएम साहब को सुबह यहाँ पर लाइट नहीं होती है तो जनरेटर चलता है, न मरीजों के लिए कोई पंखे वगैरह की व्यवस्था रहती है। इमरजेंसी में ऐसी समस्या आती है कि वहाँ लोगों को अपने जो स्टाफ है वो मोबाइल की टॉर्च से काम करना पड़ता है, लेकिन जनरेटर नहीं चलाया जाता। ये स्थिति आपने मेरे संज्ञान में लाई है और इसकी जाँच करके जो भी व्यवस्था है वो चौकस कराई है और जो लापरवाह है।